हम तो इन साले ये जो जितने भी ये सारे मीडिया वाले हैं इनको तो हम फांसी पे लटकवा दें तो चौराहे पर जूते खाने लायक हैं। ये रोहित सरदाना, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, अमन चोपड़ा और जितने फालतू लोग हैं, मैं तो टीवी देखता नहीं, सोशल मीडिया पे दिख जाता है, ये लोग पत्रकार के नाम पर कलंक हैं, ये लोग पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं, ये इनका काम सिर्फ देश में नफरत फैलाना है, इनका काम सिर्फ लोगों के मन में जहर बोना है ताकि लोग एक दूसरे को मार डालें, हत्या कर दें। भारत का जो मीडिया है वो इसी लायक है, यहाँ का अखबार बच्चों की पोटी साफ करने के लिए है। तो अखबार अगर ले भी रहे तो एक दो अखबार बढ़ा लीजिए और पोटी साफ करिए, गाड़ी का कांच भी अखबार से अच्छा साफ होता है। आज का जो भारत का जो मीडिया है, भारत के जो अखबार हैं, वो पोटी उठाने के लायक। संबित पात्रा को तो जेल में होना चाहिए। संबित पात्रा न केवल राजीव त्यागी की हत्या का आरोपी है, दोषी है, बल्कि जो पूरे देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार वो सामने वाले प्रवक्ताओं के साथ करते हैं, तो उनको तो जेल में होना चाहिए। हर दिन उनके ऊपर अवमानना का, संबित पात्रा के ऊपर हर दिन अवमानना का मामला बनता है। देखिए, सिर्फ ये इस मामले का बात नहीं है कि जिसमें राजीव, ये तो एक्सट्रीम हो गया कि राजीव त्यागी को जो है हार्ट अटैक आ गया, वो मर गए। मीडिया के इस खेल को, इस चरित्र को समझना पड़ेगा कि मीडिया का यह चरित्र कैसे काम कर रहा है। जो रवीश कुमार ने एक टर्म दिया है इस मीडिया को, गोदी मीडिया, वो इस टर्म में पूरी तरह से फिट हो गया है, गोदी मीडिया। यह मीडिया मोदी की गोद में खेलने वाली मीडिया, बेशर्म मीडिया है, इसलिए इसको गोदी मीडिया कहा गया है। और वह जब वह गोदी में खेल रही है तो कितने लोगों की बलि लेगी, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। राजीव त्यागी का मामला तो दिख रहा है, उसमें साफ दिख रहा है, उसकी पत्नी का भी, राजीव त्यागी के पत्नी का भी बयान आ गया है कि वो कह रही हैं कि संबित पात्रा के ऊपर जो है कहा है, संबित पात्रा की ओर इशारा करके मरने से पहले राजीव त्यागी ने कि जो इन लोगों ने मेरी हत्या कर दी, अपनी पत्नी को जो आखिरी बयान दिया है। यह जो कोर्ट है, यह जो पुलिस है, जो स्वतः अगर कोई दलितों के खिलाफ कोई मामला बनाना हो, पिछड़ों के खिलाफ कोई मामला बनाना हो, आरक्षण के खिलाफ कोई मामला बनाना हो, तो यह जो कोर्ट, यह जो पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती है, यह संज्ञान क्यों नहीं ले रही है कि राजीव त्यागी की हत्या के मामले में, राजीव त्यागी मरे नहीं ऐसे बीमारी से, उनकी हत्या की गई है। भारतीय मीडिया ने राजीव त्यागी की हत्या की है, और यह सिर्फ राजीव त्यागी की हत्या नहीं हुई, बल्कि राजीव त्यागी के साथ साथ इस देश की गोदी मीडिया ने, इस देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी, इस देश के संसदीय प्रणाली की हत्या कर दी है, इस देश के दलितों आदिवासियों के विश्वास की हत्या कर दी है, इस देश के जनता के विश्वास की हत्या कर दी है, लोकतंत्र में जो लोगों का यकीन था उसकी हत्या कर दी है इस भारतीय मीडिया में। अगर ऐसा कोई सिस्टम आता कि हमारी सरकार बने, हम तो इन साले ये जो जितने भी ये सारे मीडिया वाले हैं इनको तो हम फांसी पे लटकवा दें तो चौराहे पर जूते खाने लायक हैं। ये रोहित सरदाना, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, अमन चोपड़ा और जितने फालतू लोग हैं, मैं तो टीवी देखता नहीं, सोशल मीडिया पे दिख जाता है, ये लोग पत्रकार के नाम पर कलंक हैं, ये लोग पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं, ये इनका काम सिर्फ देश में नफरत फैलाना है, इनका काम सिर्फ लोगों के मन में जहर बोना है ताकि लोग एक दूसरे को मार डालें, हत्या कर दें। पूरी दुनिया परेशान है भाई साहब कोरोना को लेकर, और इस देश में इनको मंदिर सूझेगा, इनको हिंदूवादी मुस्लिमवादी इस तरह की बहस सूझेगी। तो ऐसे में जिस तरह का दबाव, कई बार टीवी चैनल की डिबेट में मुझे भी बैठने का मौका मिलता है, जिस तरह का दबाव, मानसिक दबाव ये बनाते हैं, आप देखिएगा कि
इनका कितना पैनलिस्ट होगा, एक पैनलिस्ट भाजपा का, एक पैनलिस्ट आरएसएस का, एक पैनलिस्ट होगा आरएसएस विचारक, एक पैनलिस्ट होगा आरएसएस समर्थक, एक होगा स्वतंत्र विचारक जो कि आरएसएस का आदमी होगा, और सबसे मुख्य जो प्रवक्ता होता है, ये जो पत्रकार एंकर होता है, ये होता है भाजपा संघ का प्रवक्ता। इतने लोग एक तरफ होंगे और एक तरफ जो है किसी कांग्रेस या किसी वामपंथी या किसी अंबेडकरवादी को बिठाकर ये सारे लोग जो है लोलियाने लगते हैं। जैसे गांव में घुस जाइए, कुत्ते कैसे भौंकने लगते हैं, ये लोलियाते हैं, लोगों को भड़काते हैं और इतनी अमर्यादित बात करते हैं कि कोई भी आदमी जिसके अंदर आत्मसम्मान थोड़ा सा भी बचा है वह आदमी आत्महत्या कर दे। इस हद तक ये प्रेशर बनाते हैं। ये मीडिया वाले असल में लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जनतंत्र के हत्यारे हैं, इस देश के संविधान और संसद के हत्यारे हैं, इस देश के मीडिया वाले। लेकिन सर डिबेटों में देखा गया है चिल्लम चिल्ला मारपीट भी हुई है, यहाँ तक बस अब तो इतना ही बचा कि चक्कू छुरे चलने बाकी रह गए। हाँ बिल्कुल, इन डिबेटों को बैन। नहीं, आप चक्कू छुरी की बात कर रहे हैं। एक कोई रिपब्लिक पे मुझे याद है अर्नब का शो था, तो एक पगलेट सा मुच्छर बैठा रहता है, जीडी बक्सी, वो पगलेट तोप निकाल के दिखा रहा है, वो तोप निकाल के दिखा रहा है। अबे गधे, हम उनसे कहना चाहते हैं, अबे गधे, पाकिस्तान को इसी मोदी सरकार ने व्यापार के मामले में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, जिसको आप गरिया रहे हैं, व्यापार आप उनके साथ करते हैं और तोप दिखा रहे हैं। ये जो जाली बहस चला रहे हैं ना टीवी वाले, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं और इनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तो क्या ऐसे डिबेटों को बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल, इस तरह की डिबेट को बैन करना चाहिए और जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, जितने लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, कांग्रेस है, राजद है, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि इस तरह की डिबेट में जाए ही नहीं। और आप डिबेट की बात करते हैं, मैं तो टीवी को ही चूल्हे में झोंकने की बात करता हूँ। टीवी ही नहीं देखना चाहिए, अखबार ही नहीं देखना चाहिए। जो हमारे यहाँ, जो मेरे घर में अखबार आता है, मैं 3 अखबार लेता हूँ, एक अंग्रेजी का, 2 हिंदी का। इसके पीछे वजह यह है कि मेरे घर में 2-3 छोटे छोटे बच्चे, हम लोग पोटी साफ करते हैं उस अखबार से। भारत का जो मीडिया है वो इसी लायक है, यहाँ का अखबार बच्चों की पोटी साफ करने के लिए है। तो अखबार अगर ले भी रहे तो 1-2 अखबार बढ़ा लीजिए और पोटी साफ करिए। गाड़ी का कांच भी अखबार से अच्छा साफ होता है। आज का जो भारत का जो मीडिया है, भारत के जो अखबार हैं, वो पोटी उठाने के लायक, इसी लायक। सर आप कह रहे हैं कि ये हत्या हुई, तो ऐसी डिबेट तो लगातार होती रही है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते? मैं तो टीवी ही बंद करने की बात कर रहा हूँ, ना टीवी देखें, ना लोग डिबेट में जाएं, बाकी ये चिल्लम चिल्ला करते रहें। ये तो करेंगे ही चिल्लम चिल्ला, ये उनके कुत्ते हैं, ये उनकी बोटी खा रहे हैं, तो ये चिल्लम चिल्ली करेंगे ही। इनका तो काम है, कुत्तों को बोटी वहीं से मिल रही है तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही, इनका काम है भौंकना। अभी ऐसा थोड़ा ही हो रहा सर, ये तो पहले से चल रहा है ना सर। नहीं, आज की तारीख में 2014 के बाद देखिए ना बहस की दिशा क्या हो गई। क्या आपने सुना है कि देश में कोई अब बड़ी बौद्धिक परिचर्चाएं हो रही है? यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स बंद हो गए हैं, देश में बौद्धिक परिचर्चाएं बंद हो गई है। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय जो बच्चे जाते थे वो बंद हो गया है, टीचर्स प्रोफेसर नहीं जा रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में जो सरकार का इन्वेस्टमेंट था वो बंद हो गया है, फेलोशिप बंद हो गई। ये तो मूर्खों की सरकार है, जो इनका पीएम है उसकी डिग्री का पता नहीं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस पूरी दुनिया, क्या हो सकता है मोदी जी किसी दूसरे ग्रह में पढ़ के आए हों, वो उनके दिमाग से उतर जा रहा। भारत में इंटायर पॉलिटिक्स, मैं पीएचडी डिग्री होल्डर हूँ, मेरी डॉक्टरेट की उपाधि है, मैं बीएचयू में पढ़ा हूँ, नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ और पूरा देश घूमता हूँ, कोई विश्वविद्यालय में नहीं जानता हूँ जहाँ इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री दे जाती है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का। इसका तो मुखिया ही फर्जी डॉक्टर है, फर्जी डिग्री वाला है, तो ये तो चाहेंगे ही ना कि देश के लोग नहीं पढ़ें। तो क्या संबित पात्रा या रोहित सरदाना आज तक पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, संबित पात्रा को तो जेल में होना चाहिए। संबित पात्रा न केवल राजीव त्यागी की हत्या का आरोपी है, दोषी है, बल्कि जो पूरे देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार वो सामने वाले प्रवक्ताओं के साथ करते हैं, तो उनको तो जेल में होना चाहिए। हर दिन उनके ऊपर अवमानना का, संबित पात्रा के ऊपर हर दिन अवमानना का मामला बनता है। संबित पात्रा में दम है तो हमसे डिबेट कर भी तो संबित नहीं रोकते ना, संबित पात्रा में दम है तो हमसे डिबेट करके तो एंकर करवा में ना ऐसी डिबेट। अभी तो मैंने एंकर के लिए कह दिया, वो तो कुत्ते हैं, गोदी मीडिया वाले
वाले कुत्ते हैं, उनको बोटी मिलती है सरकार और सत्ता से, तो बोटी के लिए वो कर रहे हैं डिबेट, उनको बोटी मिलती है कर रहे हैं। अगर बोटी मिलना बंद हो जाएगा तो वो डिबेट छोड़ देंगे। तो जहाँ से बोटी मिलेगी साहब वहीं ये डिबेट करेंगे, उनके पक्ष में ही बात करेंगे, चाहे जहर फैलाना पड़े, चाहे नफरत बोना पड़े, चाहे डिबेट में किसी को उद्वेलित करके किसी को हार्ट अटैक आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जेल घुमा हुआ है, कोई नफरत की रोज राजनीति करता, ये ऐसे ही लोगों का, ये असल में जो है ना, ये गोदी मीडिया भी अपराधियों का गिरोह बन गया है।